दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में है और ये फैक्ट्री जो कि एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर बनाती है, इसको हम देखेंगे कि कैसे वास्तु के जो रूल्स हैं हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर फिट किए और कैसे ये फैक्ट्री जो है रूल्स अप्लाई करने के बाद स्मूथ और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो ये फैक्ट्री जो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, तो आज मैं आपको इस फैक्ट्री के हर फ्लोर पे क्या क्या एक्टिविटी है और कहाँ कहाँ मशीन्स का सेटअप है, क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे उसको दूर किया और क्या क्या रेमेडीज अप्लाई हुई, ये सारा आपको प्रैक्टिकली बताने जाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कम इनसाइड। अभी हम इस फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रंट जो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, इसके नॉर्थ में स्टेयरकेस है, ईस्ट में लिफ्ट है, साउथ में टॉयलेट है और ये वेस्ट है। तो पीछे बैक पे साउथ वेस्ट है, मेरे राइट हैंड साइड पे साउथ ईस्ट जोन है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ वेस्ट जोन है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इसके वेस्ट और साउथ वेस्ट पोर्शन को हैवी करने की कोशिश की है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और साउथ ईस्ट को भी जगह को यूटिलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर मशीन और उसको सामान रखा है। मेन फंक्शनिंग इस प्रोडक्ट की जो है बेसमेंट में होती है और इस फ्लोर की यूटिलाइजेशन के लिए हमने ये सारा सेटअप किया है। और पीछे आप देख पा रहे हैं कि जो इसके शटर है जो कि एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में है, तो शटर पे हमने ब्रास की पत्ती ला के उसका इम्पैक्ट कम कर दिया है और उस शटर को कभी यूज नहीं करते हैं, राइट। और इस फ्लोर का ब्रह्म स्थान जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये नीचे हमेशा ही खाली रहता है और इसको हमने येलो कलर करवा दिया है ताकि गलती से भी यहाँ कोई प्रोडक्ट ना रखा जाए या हैवी मटेरियल या कोई मशीनरी ना रखी जाए। तो ये सारा हमने प्लानिंग की है ग्राउंड फ्लोर पे। अब चलते हैं बेसमेंट में। तो हम फैक्ट्री के अभी बेसमेंट में हैं। बेसमेंट के अंदर ये वाली मेन मशीन जो है ये बेसमेंट में लगी हुई है। ये सबसे पहले जब इस फैक्ट्री को लिया गया था तो ये मशीन जो है ग्राउंड फ्लोर पे थी, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद उनको फील हुआ ऑनर जो है कि मशीन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको नीचे बेसमेंट में इसको शिफ्ट किया गया है। तो बेसमेंट में हमने इसको कहाँ शिफ्ट किया, तो आप देखोगे कि ये मशीन को मैंने साउथ और वेस्ट पोर्शन में किया है, लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि सारी मशीनें जो है बेसमेंट के अंदर या ग्राउंड फ्लोर के अंदर सारी की सारी कई बार साउथ वेस्ट में नहीं रखी जाती। मशीन का हमें करैक्टरिस्टिक उसका फंक्शनिंग पता होना चाहिए कि ये मशीन क्या करती है, ये इसके अंदर हीट कितनी है, इसके अंदर पानी कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमेशा मशीन्स को रखना चाहिए। तो इस मशीन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, इस मशीन के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये इसका हीट का पोर्शन है, तो इसलिए इसका पोर्शन को ये हीट वाले पोर्शन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर रखा और मेन मशीन साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट में आ गई और इसका जो इनपुट और आउटपुट है वो वेस्ट से इधर साउथ की तरफ आ गया है। तो जब से ये यहाँ पर मशीन रखी है बिल्कुल सही चल रही है और ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हमने इनका जो है फाइनल प्रोडक्ट है और यहाँ से पीस बन के ऊपर सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल है और साउथ ईस्ट के अंदर भी कुछ हल्की मशीन्स और ये रॉ मटेरियल थोड़ा सा रखा हुआ है और साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमने 0 वाट का रेड बल्ब एग्जैक्ट साउथ ईस्ट के अंदर वो लगाया हुआ है। जब से यहाँ पर ये मशीन लगी है तो ये मशीन बिल्कुल सही और स्मूथ चल रही है और अच्छा आउटपुट दे रही है और डे एंड नाइट मशीन चलती है ये। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर एल्युमिनियम फॉयल के कंटेनर तैयार किए जाते हैं। अभी मैं आपको इनके फर्स्ट फ्लोर पे दिखाता हूँ कि कहाँ पर इन्होंने फाइनल स्टॉक रखा है और कितनी फास्ट मूवमेंट में वहाँ से निकलता है, और बेसमेंट के अंदर भी हमने ये इनका ब्रह्म स्थान जो है खाली रखा हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं इनके फर्स्ट फ्लोर पे। तो अब हम फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने मैंने जैसे कि बताया ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है। नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर जितना भी फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर रखा है ये फास्ट मूवमेंट होता है, ये प्रैक्टिकल है और ये पक्की बात है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो वो फास्ट मूवमेंट हो जाएगा, निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। यहाँ पर इतना फाइनल प्रोडक्ट पड़ा रहता है, जगह कम हो जाती है। उसके बाद हमने साउथ ईस्ट में भी ये फाइनल प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसमें भी जगह कम होने के बावजूद
हमने पूरे फ्लोर पे जितना आप देख पा रहे हो सारे जगह पे रख लिया है, लेकिन कोशिश रहती है कि नॉर्थ ईस्ट में ना रखा जाए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है स्लो हो जाता है, तो इस फ्लोर को भी पूरा बैलेंस करने के लिए हमने ब्रह्मस्थान खाली छोड़ा हुआ है और साउथ ईस्ट को एक्टिवेट किया हुआ है, और नॉर्थ के अंदर हमने जो इस फ्लोर का अकाउंट्स या फैक्ट्री का अकाउंट्स देखते हैं वो सारा स्टाफ वहाँ पर बैठाया हुआ है। तो चलिए अब हम चलेंगे टेरेस पे। तो अब हम इस फैक्ट्री के टेरेस पे हैं। जब इस फैक्ट्री को लिया गया था तो जैसे कि मैंने बताया कि इस फैक्ट्री के ईस्ट में जो है लिफ्ट है, तो ऑब्वियसली लिफ्ट रूम होने की वजह से ईस्ट इसका काफ़ी ऊंचा हो गया था। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने वेस्ट में एक आयरन पोल खड़ा करवा दिया। लिफ्ट रूम की हाइट से कम 1 फुट ऊँचा है। दूसरी बात, टेरेस पे एग्जैक्टली वेस्ट और साउथ वेस्ट में ये मैंने पानी की टंकियाँ रखवा दी है। पहली प्रेफरेंस हमेशा वेस्ट की होती है, तो ये वेस्ट में जो है हमने ये पानी की टंकियाँ रख दी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेबर क्वार्टर भी है, वॉशरूम्स भी हैं साउथ में, तो इस प्रकार से टेरेस भी इनका बैलेंस हो गया। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये फैक्ट्री जो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, तो नॉर्थ ईस्ट की इसको अच्छी एंट्री भी मिल रही है। एक जो इस फैक्ट्री का एक एक्सपीरियंस है वो अभी मैं और शेयर करूंगा, उसके लिए हमें फिर से एक बार ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा। तो अब हम फिर ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर मशीन के बारे में बताना था। ये मशीन जब इनकी पुरानी फैक्ट्री में थी, तो जहाँ पर मैंने शिफ्ट की थी, तो वहाँ पर ऑनर ने गलती से इसको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया पुरानी फैक्ट्री के अंदर। तो जब से उन्होंने दूसरी जगह पर अपनी मर्जी से शिफ्ट किया, तो ये मशीन चल के ही नहीं राजी हुई, बिल्कुल चल के नहीं राजी हुई। इन्होंने पूरा अपना इंजीनियर, पूरे अपने लोग बुला लिए, पूरे कारीगर बुला लिए, पूरे एक्सपर्ट बुला लिए, लेकिन ये मशीन बिल्कुल नहीं चली। उसके बाद जब ये बड़ी फैक्ट्री में यहाँ पर शिफ्ट हुए और इसको मैंने इस डायरेक्शन में फिट किया, ये वेस्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आगे इसने 1% भी इसने तंग नहीं किया। तो ये एक एक्सपीरियंस है। एक मैं एक्सपीरियंस और ऐड करना चाहूँगा। टेरेस पे एक लोहे के गर्डर पड़े हुए हैं जो कि अभी साउथ वेस्ट में है। तो एक बार ऑनर ने ये गर्डर बाहर से आने थे, ऑनर ने गलती से टेरेस पे नॉर्थ ईस्ट में रख दिए, और जैसे ही नॉर्थ ईस्ट में रखे, इनका काम धीरे 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 स्लो हो गया। तो करीब करीब 10-12-15 दिन बाद ऑनर का मेरे पास फ़ोन आया कि फैक्ट्री पूरी सेटअप करती है, ठीक चल रही थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। मैंने पूछा कोई आपने चीज़ ऐड ऑन की है, कहते नहीं बिल्कुल नहीं किया, कोई बाहर से नहीं चीज़ आई है, नहीं, कहते जी सिर्फ एक गर्डर आए थे। कहाँ रखे? नॉर्थ ईस्ट में रखे। तो मैंने उनको इमीडिएटली हटा दो, उनको इमीडिएटली हटा के साउथ वेस्ट में कर दिया। जैसे ही साउथ वेस्ट में किया, अगले दिन से काम फिर स्मूथ होने लगा। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो किए, जो मशीन्स है उनका रोल पता करके उसके अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट में लगा दिया। दूसरा, रॉ एंड फाइनल प्रोडक्ट सारा नॉर्थ वेस्ट में डाल दिया। तीसरा, फैक्ट्री पहले ही हमने नॉर्थ ईस्ट फेसिंग की चूज की। चौथा, साउथ वेस्ट को या वेस्ट को मैंने ऊंचा कर दिया, बैलेंस कर दिया, और फिर पानी की टंकियां जो है मैंने वेस्ट में डाल दी, और साउथ ईस्ट के अंदर एक रेड बल्ब ऑन किया है। ये 6 रूल अप्लाई करने से ये वाली फैक्ट्री बिल्कुल स्मूथ चलती है, चल रही है। सो इस फैक्ट्री के अंदर इस टाइप के कंटेनर जो है एल्यूमिनियम फाइल के बनाए जाते हैं। ये 3 साइज़ में, एक बड़ा साइज़ है, एक ये मीडियम साइज़ है, और ये लिए स्मॉल साइज है। तो फ्रेंड्स, इस फैक्ट्री के अंदर जैसे कि 2 वाक्य मैंने बताए, एक लोहे के गर्डर वाला और एक मशीन वाला, ये दोनों चीज़ों ने जो इस फैक्ट्री के ऑनर हैं उनको तंग किया था, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो हम दोनों चीज़ों की एंडोर्समेंट इस फैक्ट्री के ऑनर से करेंगे कि क्या वाकई ही लोहे के गर्डर और वो एक मशीन ने इनको तंग किया था। तो मेरे साथ गुप्ता जी हैं, इस कंपनी के मालिक, तो उनसे पूछते हैं। तो सर, ये 2 वाक्य मैंने डिटेल में बताए हैं। एक गर्डर जब आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया था, तो आपने बोला था कि उस दिन से काम बंद होना शुरू हो गया, स्लो होना शुरू हो गया था। जैसे ही गर्डर वहाँ से हटाए तो वो ठीक हो गया, और एक मशीन जो पुरानी जगह पे जहाँ मैंने बताई थी
वहाँ से आपने हटा दी थी और उसके बाद जब जैसे नई फैक्ट्री के अंदर हमने रखी तो बिल्कुल ठीक चल रही है। बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है जी। जैसे दीपक जी बताया, मैंने चेंजेस किए अपने दिमाग पे, लेकिन वो काम नहीं चला, बहुत परेशानी हुई। जैसे भी उनकी एडवाइस पे गया, वो काम बिल्कुल सही है, भगवान के आशीर्वाद से फैक्ट्री बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जगह पे अभी तक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन नहीं है, और अगर आप जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अमेजोन पर मेरी बुक है जिसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस एंड मेथड्स टू डिस्ट्रेस। आप अमेजोन पर जाके बुक परचेज कर सकते हैं। और उडमी पे मेरा एडवांस जियोपैथिक स्ट्रेस का कोर्स भी है, आप घर बैठे उस कोर्स को सीख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे से, तो मेरे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पे आप मेरे